उनके लिए तो ये सरप्राइज है। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा है मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। ये सनिया ने आज पिज्जा ट्राई किया है और व्लॉग के एक एक पार्ट में बहुत ही सिंपल टेक्निक्स और बहुत ही प्यार और बहुत ही टेस्ट है। व्लॉग को पूरा एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए कि कितने ही मज़े से मैंने जो है वो पूरे 1.5 साल बाद पिज्ज़ा बनाया। हे एवरीवन, दिस इज मी सनिया शर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज सनिया शर लाइवली। होप यू गाइस ऑल आर फाइन, फिर फार ठीक ठाक, सब खुश होंगे, मज़े में होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, मैं और मेरी मम्मा पिज़्ज़ा बना रहे हैं और डैडी और अलीशा के लिए बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं है। उनको पता है हमारा प्लान था पहले का, कल का प्लान था, लेकिन क्योंकि लाइट नहीं थी तो हम लोगों का वो प्लान कैंसिल हो गया। ऐसा नहीं कि हमने ओवन में बनाना था, क्योंकि ओवन तो मेरा जो है वो इस्लामाबाद में है, तो हम लोग होममेड पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं आप लोग उसमें पैन में चूल्हे के ऊपर, वो मैं आप लोगों को रेसिपी थोड़ी सी उसकी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, और आप लोग व्लॉग को एंजॉय करें, साथ रहिए। तो जी, व्लॉग का और पिज़्ज़ा का यमी सा स्टार्ट होता है यहाँ से। मैंने जो है वो चिकन मैरिनेट करके रख दिया था, जिसमें मैंने बहुत सारे जो है वो मसाले डालकर और लेमन डालकर उसको जो है मैरिनेट किया था 2 से 4 घंटों के लिए ही, ड्यूटी से आने के बाद ही। तो उसके बाद मैंने पैन में जो है वो थोड़ा सा ऑयल डाला और यहाँ पर मम्मा जो है वो पिज़्ज़ा का डो तैयार कर रहे हैं। कितना ही मज़े का लग रहा है यार। और यहाँ पर मैंने जो है पैन में सारा का सारा चिकन डाल दिया, बहुत ही यमी टिक्का टाइप उसकी जो है वो बोटी बनाई थी मैंने। और यहाँ पे मेरे पास वेजेस थी, बिल्कुल ही रेगुलर पिज़्ज़ा सिंपल वाला बनाया था, लेकिन बहुत ही यमी था, जिसमें कैप्सिकम्स और टमाटर को मैंने क्यूब्स किया, और उसके बाद जूलियर कट में मेरे पास अनियंस थे, और ये मैं अदरक लहसुन को साइड पे कर रही हूँ। यार मुझे ना व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी एनर्जी और मेरा एच भी पहले भी बता चुकी हूँ बढ़ जाता है, और जब मैंने आज देखा ना कि 660 मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए, तो मेरे को और ही ज़्यादा एनर्जी मिली। यार मैं ड्यूटी पर होकर अभी एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज पेशेंट रेशो बहुत कम। अभी मैंने नाम ही लिया और देखो कॉल आ गया बीच में। खैर ये सब तो चलता रहता है यार, घर पे भी मुझे टाइम नहीं मिलता है, मेरे बाजू में बहुत दर्द हो चुका है, वो लास्ट वाला ही जो पेन है वो फिर से स्टार्ट हो गया है, इसलिए व्लॉगिंग बड़ी मेहनत से कर रही हूँ। प्लीज़ चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और देखो हमने यहाँ पर जो है ना वो, मेरे पास कोई पिज़्ज़ा सॉस नहीं था, मैंने बस जो रेगुलर हम लोग गार्लिक सॉस यूज़ करते हैं, चिली गार्लिक, वो डाला, फिर उसके बाद सब कुछ जो है वो इसमें डाल दिया, चीज़ भी ऐड किया, चिकन ऐड किया, वेजेज़ ऐड कि यमी सा मिक्स सा पिज़्ज़ा जो है वह यहाँ पर रेडी हो रहा है। आप लोग भी पिज़्ज़ा बना सकते हो, टू इजी है यार। पहले से आपको जो है ना वो प्री हीट कर देना है अपने उस बर्तन को जिसमें आप जो है पिज़्ज़ा बनाने वाले हो। ये मेरा ट्रे बिल्कुल किस हालत में हो चुका है, आई विल श्योरली शो यू। हम लोगों के कुछ बर्तन यहाँ हैं, कुछ पंजाब में, तो इसलिए नए बर्तन यहाँ पे ख़रीदने को मैं प्रेफर बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मिनी पिज़्ज़ा बना रही थी अलीशा के लिए, जो जिसमें मैंने पहले जो है वो अगेन सॉस लगाया और फिर उसके बाद खूब सारा चीज़ डाल दिया, एंड देन वही सारी वेजीज़ वगैरह। मेरे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताया करो, और लाइक का बटन तो हिट कर ही दीजिए। और भी बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा है मुँह में अभी से ही सोच के, इसको दोबारा से बनाने को दिल कर रहा, बल्कि दोबारा से खाने को दिल कर रहा है। यार बाहर का पिज़्ज़ा ठीक है, लेकिन जो घर के पिज़्ज़ा का फ्रेश निकल कर जो आता है, मज़ा आता है ना, आई कांट इवन एक्सप्लेन, उसका अरोमा, उसका टेस्ट विद 7-Up, उसका तड़का, उसका जो है वो स्पाइसिस। और यहाँ पे ये सेकंड पिज़्ज़ा जो है हमारा तैयार हो गया है, जिस यार लाइट नहीं थी और मेरे मोबाइल की बैटरी नहीं थी, तो मैं क्या कर रही थी, क्योंकि उसकी फ्लैश लाइट ऑन नहीं हो रही थी, तो मैं मामा के फ़ोन से लाइट को जो है वो उस पर डाल रही थी और साथ अपने फ़ोन से वीडियो बना रही थी। यहाँ पे अलीशा आ चुका था और उसको बीच में आकर तंग ज़रूर करना होता है। और यहाँ पे हमारा सेकंड पिज़्ज़ा रेडी था, और थर्ड को अभी हम जो है वो टॉपिंग कर रहे थे, जिस पर अलीशा आके मुझे तंग कर रहा था। यार और बंदा की करे, लोग आप बीच आके वीडियो ख़राब करना शुरू हो जाते हैं, ऑब्वियसली आई एम ऑन ड्यूटी। ये सनिया ने आज पिज़्ज़ा ट्राई किया है और बनाया सनिया की मामा ने की है, बनाया सनिया की मामा ने, और इसमें यमी सा इसमें Give you my jacket, think I'm the perfect guy, barely know you, but all that's on my mind is the feeling.
सो गाइस मुझे बाहर आवाज़ आई है, बेल की, डैडी और अलीशा आ चुके हैं, उनके लिए तो ये सरप्राइज़ है। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, यार शेयर कर दिया करो, थोड़ी एनर्जी बच जाती है। ऑलरेडी मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई चल रहा है कि मैं चैनल के बारे में बहुत सोच रही हूँ कि यार जब आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, शेयर ही नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं क्या करूँ मतलब। सो आप लोगों ने पिज़्ज़ा को एंजॉय किया होगा, मुझे भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद तो नहीं है लेकिन कम भी पसंद नहीं है, कभी कभी खा लेना चाहिए, और होममेड हो तो फिर और भी अच्छा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, साथ रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।